इनहेरिटेड लिवर डिजीज, द फर्स्ट इज हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में होता क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी आयरन, एंड ऑब्वियसली व्हेन आयरन एक्यूमुलेट्स इन द टिश्यू, टिश्यू को डैमेज करती है। देयर आर टू टाइप्स, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस एंड सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। हेरिडिटरी बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक एरर, एंड दैट जेनेटिक एरर इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर दैट लीड्स टू HFE म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 6। HFE जीन स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती है। व्हेन इट इज म्यूटेटेड इट कॉजेज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दैट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू हीमोक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन एक्यूमुलेशन होती है बिकॉज ऑफ अ सेकेंडरी रीजन लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लाइक इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, लाइक इंक्रीज ओरल इनटेक ऑफ आयरन, लाइक क्रॉनिक लिवर डिजीज। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें, हीमोक्रोमेटोसिस के सिम्टम आर मोर प्रोमिनेंट इन मैन बिकॉज इन वुमेन द इफ एक्सेसिव आयरन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग मेनस्ट्रुएशन, एक्सेसिव आयरन जो है दैट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। दैट इज वाई हीमोक्रोमेटोसिस के जो क्लिनिकल फीचर होते हैं वो यूजली दे आर प्रेजेंट इन मैन, एंड दैट जो एज ग्रुप होती है दैट इज ग्रेटर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। इफ आयरन एक्यूमुलेट्स इन लिवर इट कॉजेज लिवर डैमेज दैट लीड्स टू माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस एंड इवेंचुअली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इफ आयरन एक्यूमुलेट इन पैनक्रियास उसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, दैट लीड्स टू ब्रोंस डायबिटीज। इफ इट एक्यूमुलेट इन स्किन इट कॉजेज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन दैट लीड्स टू हाइपर पिगमेंटेशन। इफ इट एक्यूमुलेट्स इन हार्ट इट कॉजेज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। गुनेड्स में इट लीड टू हाइपोगोनाडिज्म, एंड बिकॉज ऑफ हाइपोगोनाडिज्म देयर इज टेस्टिकुलर एट्रोफी, इम्पोटेंस एंड लॉस ऑफ लिबिडो। इट कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट इन बोन्स एंड जॉइंट लीडिंग टू आर्थ्रोपैथी ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। जो टिपिकल तीन फीचर होते हैं वो माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस, डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। दिस थ्री फीचर्स डिफाइन हीमोक्रोमेटोसिस, माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस, डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। इफ यू टॉक अबाउट डायग्नोसिस, ऑब्वियसली देयर विल बी इंक्रीज आयरन, देयर विल बी इंक्रीज फेरिटिनिन। The binding capacity, iron binding capacity will be full. There will won't be any more capacity to bind iron. That is why decreased total iron binding capacity. Transferrin will be overloaded. So transferrin saturation greater than 45 is highly suggestive of iron overload. हम EEG भी कराएंगे और echocardiography भी कराएंगे to rule out cardiomyopathy as cause of secondary hemochromatosis. We will also perform HFE gene mutation to find out whether it's primary hemochromatosis or secondary hemochromatosis. To confirm the diagnosis, we do liver biopsy. Treatment is weekly phlebotomy, that is clearance of blood to normalize serum iron level. If the patient can't tolerate phlebotomy, we will give him deferoxamine that binds iron. Hame हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए भी कंटिन्यूसली स्क्रीन करना होगा, और हमें साथ साथ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को भी स्क्रीन करना होगा बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड हाईली लाइकली कि किसी रिलेटिव को भी जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस हो। विल्सन डिजीज इज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन ब्लड, लाइक हीमोक्रोमेटोसिस इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस में प्राइम वजह था आयरन का ज्यादा एब्जॉर्ब होना, विल्सन डिजीज में प्राइम वजह है सीरोप्लाज्मिन, अ कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन का नहीं बनना। व्हेन सीरोप्लाज्मिन इज नॉट फॉर्म कॉपर इज फ्री टू मूव इन द ब्लड, एंड कॉपर फ्रीली सर्कुलेट्स इन द ब्लड विदाउट एनी चेक, एंड इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन वेरियस ऑर्गन्स, दैट कॉजेज द सिम्टम ऑफ विल्सन डिजीज। हीमोक्रोमेटोसिस वॉज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम 6, विल्सन डिजीज इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 13। The symptoms in the liver, it can lead to acute hepatitis, fulminant hepatitis, chronic hepatitis, or micronodular cirrhosis. Micronodular cirrhosis like hemochromatosis. If it accumulate in eye mein, Desmond membrane mein, it leads to a special ring called Kier-Fischer ring. And Kier-Fischer ring is probably the most important clinical feature of Wilson disease. अगर सवाल आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ विल्सन डिजीज दैट्स कायर-फिशर। इट कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट इन प्यूटेमिन, अगर प्यूटेमिन में एक्यूमुलेट हुआ तो इट कैन कॉज मूवमेंट डिसऑर्डर लाइक ट्रेमर्स। अगर सब थैलेमस में एक्यूमुलेट हो गया कॉपर, इट कैन लीड्स टू हेमी बेलिसमस लाइक डांसिंग लाइक मूवमेंट इन हाफ ऑफ अ बॉडी। इफ इट एक्यूमुलेट्स इन
cortex, it can lead to dementia. If it accumulates in frontal lobe, it can cause personality changes or depression. The best initial test to diagnose Wilson disease is serum seroplasmin. That will be decreased. Urinary excretion of copper is increased. The best diagnostic test for Wilson disease is liver biopsy. Management is don't give food that has higher copper content for obvious reason. Drug of choice जो हमारी होती है वो पेनिसिलिमाइन होती है. Remember, drug of choice जो hemochromatosis में है वो that's clearing of blood है, that's not binding agent. Deferrexamine is second line of choice, not first line of choice. The first line of choice in hemochromatosis is phlebotomy, but the first line of choice in copper is a binding agent, that is penicillamine. Also, we give zinc and ammonium tetrathiobolbamate, both decreases reabsorption of copper from intestine. Or if liver bahut zyada failure ho gaya to liver transplantation. The next inherited liver disease is alpha 1 antitrypsin deficiency. इसमें क्या होता है, अल्फा वन एंट्री ट्रिप्सिन डिफिशियंसी इज नॉट फोल्डेड प्रॉपरली, एंड व्हेन इट इज नॉट फोल्डेड प्रॉपरली वो लिवर से बाहर नहीं जाता, और जब लिवर से बाहर नहीं जाता तो ब्लड एंड लंग में इसकी कमी हो जाती है, लिवर में इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है. दैट कॉजेस न्यूनेटल हेपेटाइटिस, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. क्योंकि ये बेसिकली लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है सारा, तो जिसके प्राइमरी जितने भी सिम्टम होते हैं वो लिवर से रिलेटेड होते हैं, लाइक neonatal hepatitis, like micronodular cirrhosis, like hepatocellular carcinoma. And because of deficiency of alpha 1 antitrypsin in lung, we get pen SNR emphysema. Jitne bhi inherited diseases, unme teen do cheezein common hai. Ek sare ke sare autosomal recessive disorder hote hain, and second sab mein micronodular cirrhosis hota hai. Now if we talk about management of alpha 1 antitrypsin deficiency, the best management of alpha 1 antitrypsin deficiency is quit smoking. The best management for hemochromatosis was phlebotomy. The best management for Wilson disease was penicillamine. The best management for alpha 1 antitrypsin deficiency is quit smoking. Give supportive treatment for emphysema. If FEV4's expiratory volume is less than 80% of the predicted, give pooled AAT. और अगर लिवर बहुत ज्यादा खराब हो गया तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. Now moving towards intrahepatic biliary tract disease, primary biliary cirrhosis. It is an autoimmune disorder that leads to destruction of intrahepatic bile duct. Autoimmune destruction है, that is leading to destruction of intrahepatic bile duct. This is a very good picture of taken from elsewhere that shows ke intrahepatically duct is damaged without any known cause, without any definitive cause. That is why it is known as primary biliary cirrhosis. Clinical feature most commonly present in middle-aged women. Pruritus is the most common initial complaint. खुजली हो रही होगी, बहुत ज्यादा खुजली हो रही होगी. Obviously jaundice hoga, osteomalacia hoga, weakness of bone hogi because of fat soluble vitamin deficiency. Kyunki jab liver ki ducts injured hogi to bile nahi aayega, jab bile nahi aayega to fat jo hai properly absorb nahi hoga, jab fat absorb nahi hoga to we will get osteomalacia, osteoporosis because of vitamin D deficiency. Skin xanthoma, that is focal accumulation of cholesterol, jab bile nahi aayega properly to properly cholesterol ki एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो वो स्किन में जमा होना शुरू हो जाएगा. हेपेटोमेगैली मिलती है, स्प्लीनोमेगैली मिलती है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज लिवर फेलियर. एसोसिएशन इट्स प्रिजम्ड ल्यू एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो इसकी एसोसिएशन सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से होती है, लाइक सिजरॉन सिंड्रोम, लाइक रिनॉट फिनोमिना, लाइक सीलिक डिजीज, लाइक सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. हम डायग्नोज कैसे करेंगे, हम डायग्नोज करेंगे एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल हमें मिलेगा, बिकॉज बाइल नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है. कॉलीस्टैटिक जॉन्टिस मिलेगा हमें, इसकी वजह से हमें कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया मिलेगा, हमें एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेट मिलेगा, हमें एलिवेटेड जीजीटी मिलेगा, हमें इंक्रीज सीरम आईजीएम मिलेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज एंटी माइक्रो
माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी मिलेगी. सो इफ अ क्वेश्चन प्रेजेंट पर यूराइटिस प्लस पॉजिटिव एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, पर यूराइटिस प्लस पॉजिटिव एंटी माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी, द आंसर इज प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस. अगर हम लिवर बायोप्सी करेंगे तो हमें लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे पोर्टल ट्रैक में, हमें ग्रैनुलोमेटस डिस्ट्रक्शन मिलेगी बाइल डक्ट की. अगर ट्रीटमेंट की बात करें, यूरोडीऑक्सीकॉलिक एसिड इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, इट स्लोज द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज. जो मेन सिम्टम था पर यूराइटिस, उसके लिए वी गिव कॉलिस्ट्राइमीन. बिकॉज बाइल नहीं है तो वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे प्रॉपरली, तो हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन की सप्लीमेंटेशन देंगे, कैल्शियम एंड वाइटामिन डी देंगे फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन. सो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डायग्नोज प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, पर यूराइटिस प्लस एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी. अगर सवाल पूछ रहा है बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट, द आंसर इज यूरिडीऑक्सीकॉलिक एसिड. इफ सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ पर यूराइटिस, द आंसर इज कॉलिस्ट्राइमीन. If the question asks you what is the definitive treatment of primary biliary cirrhosis, the answer is liver transplantation. Secondary biliary cirrhosis. इसमें भी intrahepatic bile की destruction होती है, bile intrahepatic bile duct is destroyed. लेकिन इसमें जो destruction हो रही है because of a reason हो रही है, and that reason is prolonged extrahepatic tract obstruction. So प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस में भी इंट्राहेपेटिक बाइल की डिस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन उसका कोई रीजन नहीं पता हमें. सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस में भी इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन हमें इसका रीजन पता है, और रीजन ये है कि प्रोलॉन्ग एक्स्ट्रा हेपेटिक ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, आइदर फ्रॉम गॉल स्टोन, आइदर फ्रॉम बाइलरी एट्रेजिया, आइदर फ्रॉम बाइल डक्ट स्ट्रक्चर, आइदर फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंट्रियास. नाउ द क्वेश्चन इज के how do we differentiate it from primary biliary cirrhosis? The answer is ke there is first no sex predilection. Hame jaise ki humne dekha ke primary biliary cirrhosis is more common in female, isme it's equally common in male and female. Isme serum IgM bhi negative hota hai and serum anti mitochondrial antibody bhi negative hota hai. So if you are getting only pruritus and there is a history of gallstones, think of secondary biliary cirrhosis. Pruritus plus no history of gallstone plus positive anti mitochondrial antibody is primary biliary cirrhosis. Only symptoms of pruritus plus a history that is suggestive of either carcinoma of pancreas, either gallstone is equal to secondary biliary cirrhosis. Now the next disease is primary sclerosing cholangitis. जैसे कि नाम में sclerosing के, इसमें sclerosis होती है, fibrosis होती है, किसकी? extra hepatic और intra hepatic ducts की. So fibrosis of extra hepatic and intra hepatic bile duct is come under primary sclerosing cholangitis. ये male में ज़्यादा common होता है. प्राइमरी बाइलरी स्क्लेरोसिस फीमेल में कॉमन था, सेकेंडरी बाइलरी स्क्लेरोसिस दोनों में बराबर था. प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस मेल में ज्यादा कॉमन होता है. इट ऑल्सो प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव जॉन्टिस, पर्यूराइटिस एंड फटीग. इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है. इसकी एसोसिएशन जो होती है वो अल्सरेटिव, द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन फॉर प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. रिमेंबर दिस पॉइंट, द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. साथ साथ क्रोन डिजीज में मिलता है रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस इज एन एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, क्रॉनिक पेंक्रियाटिस, एचआईवी इन्फेक्शन. इसमें भी हमें कॉलीस्टैटिक जॉन्टिस में कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया मिलता है, एलिवेटेड एएलपी मिलता है, एलिवेटेड जीजीटी मिलता है. तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? ये सारी चीजें तो हमें जो है वो प्राइमरी बाइलरी स्क्लेरोसिस में भी मिल रहा था. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस? Beading appearance of the bile duct. Beading appearance of bile duct, either ये देखो ये bead जैसे बने में, ये जैसे appearance. So the question will mention beading appearance. Beading appearance plus pruritus, primary sclerosing cholangitis. So again, bile duct की diseases को कैसे differentiate करेंगे? Pruritus plus anti mitochondrial antibody. Answer is primary bile sclerosis.
secondary biliary cirrhosis. How are you going to diagnose that? Simply pruritus with a history of either gallbladder or carcinoma of pancreas. Primary sclerosing cholangitis to kaise diagnose karoge? Pruritus plus the question will either mention bleeding appearance or onion skin fibrosis of portal tract. So this is how you will diagnose primary sclerosing cholangitis. Agar hum management ki baat kare, management is pretty much the same. Urosodeoxycholic acid that improves cholestasis, cholestyramine for pruritus, antibiotic for bacterial cholangitis, fat soluble vitamin, early ultrasound to detect cholangiocarcinoma, immunosuppressant doesn't prove fruitful, definitive treatment iski bhi liver transplantation hai. Tino ki definitive treatment liver transplantation hai. Tino ki treatment almost same hai. Tino ke labs almost same hai. Tino mein jo hai wo we will find increased conjugated bilirubin, increased GTP, increased ALP. Tino mein pruritus hoti hai, lekin tino ke darmiyan difference kya hai? Ek primary biliary cirrhosis mein pruritus plus anti mitochondrial antibodies, secondary biliary cirrhosis mein pruritus plus history of gallstone, and primary sclerosing cholangitis mein pruritus plus bleeding appearance of the bile ducts. Now hepatic vascular disease, Budd-Chiari syndrome, basically it refers to thrombosis of large hepatic vein ki thrombosis ho jana. Usually idiopathic hota hai, but other causes include primary polycythemia vera, oral contraceptive, pregnancy, proximal nocturnal hemoglobinuria, ya inherited disorder of coagulation jisme ke antithrombin 3 protein C or protein S deficiency aa jati hai. Jo prime sawal aata hai, jo ek sawal aata hai that point towards Budd-Chiari syndrome, that a pregnant woman either on warfarin, pregnant woman on heparin, pregnant woman jo ke pehle warfarin mein thi, pregnant woman jo abhi heparin pe hai. So this scenario will always point toward Budd-Chiari syndrome. Clinical manifestation is painful hepatomegaly. Humne kahin bhi painful hepatomegaly nahi padhi. So painful hepatomegaly almost always points toward Budd-Chiari syndrome. So agar Budd-Chiari syndrome ka clinical presentation to वैसे pregnant woman or that is on heparin hoga, to hume easily pata chal jayega. लेकिन दूसरे तरीके जिससे हमें Budd-Chiari पता चलेगा वो पेनफुल हेपेटोमेगैली है. अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, हमें एलएफटीज इंक्रीज मिलेंगे, इंक्रीज ट्रांसअमाइनेज मिलेगा, हमें एसाइटिस फ्लूइड के एनालिसिस में एक्सुडेटिव एसाइटिस मिलेगा, इफ वी डू एमआरआई हमें ऑक्लूजन ऑफ हेपेटिक वेन एंड इन्फीरियर वेना कैवा मिलेगी, एंड इंक्रीज साइन ऑफ कॉर्डेट लोब. कॉर्डेट लोब का साइज बड़ा हुआ होगा बिकॉज ऑफ सेपरेट वेनस ड्रेनेज. एक्यूट ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें थ्रोम्बोलाइसिस, जो थ्रोम्बस बना हुआ है उसको तोड़ना है, तो वी डू इट बाय स्ट्रेप्टोकाइनेस. उसके बाद हम एंटी कोगुलेशन देते हैं विद हेपरिन फॉलोड बाय वारफेरिन. अगर फिब्रोसिस हो गई है, स्ट्रिचर्स बन गए हैं, तो और छोटे स्ट्रिचर्स हैं तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, और बड़े एक्सटेंसिव है जो टिप्स करते हैं. लिवर ट्रांसप्लांटेशन कब करते हैं? जब या तो क्रॉनिक Budd-Chiari मेलफॉर्मेशन है या बहुत वेरी एक्यूट सीवियर प्रेजेंटेशन है, जो फ्लूमिनेट प्रेजेंटेशन है. फ्लूमिनेंट प्रेजेंटेशन हमें कैसे पता चलता है कि लिवर जो है वो फ्लूमिनेंटली हेपेटाइटिस, जब हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के साइन आना शुरू हो जाए तो वी से इट्स फ्लूमिनेंट. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट Budd-Chiari. हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज प्रेग्नेंट वुमेन? प्रेगनेंसी में बेसिकली प्रेगनेंसी वो कंडीशन है जिसमें ब्लड कॉगुलेट होता है, और अगर हिस्ट्री में वो ये बोल रहा है कि वो अभी हेपरिन ले रही है लड़की, या पहले वारफेरिन ले रही थी, इसका मतलब है उसको कोई ना कोई कॉगुलेशन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो हेपरिन और वारफेरिन ले रही है. सो ऑल दिस आर रिस्क फैक्टर फॉर Budd-Chiari. सो दैट इज अ टिपिकल केस ऑफ Budd-Chiari. क्लिनिकली क्या प्रेजेंट होगा? क्लिनिकली पेनफुल लिवर प्रेजेंट होगा. ट्रीटमेंट की बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज इनिशियली स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, उसके बाद हम हेपरिन देंगे फॉलोड बाय वारफेरिन.
अगर फिब्रोसिस हो गई है तो हम एंजियोप्लास्टी करेंगे टिप्स डिपेंडिंग अपॉन लेंथ, और अगर लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। नेक्स्ट जो वेनस डिजीज़ है वो वेनो ऑक्युलेटिव डिजीज़ है, इसमें हेपेटिक वेन्यूल्स और सिनोसाइट की ऑकलजन होती है। बट शियरी में हेपेटिक वेन या इन्फीरियर वेना कैवा की ऑकलजन होती है। वेनोकल्सिक में हेपेटिक वेन्यूल्स जो कि वेन से छोटे होते हैं और सिनोसाइट जो कि कैपिलरी से पहले बनते हैं उनकी ओकलजन होती है। इसका कॉज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपी स्पेशली साइक्लोफोसफामाइड, वीडियोथेरेपी या बुश टी होती है। इट ऑल्सो प्रेजेंट विद टेंडर हेपेटोमेगैली, असाइटिस होता है, वेट गेन होता है, जॉन्टिस होती है। मैनेजमेंट स्पॉन्टेनियसली रिकवरी होती है, ट्रीटमेंट सपोर्टिव होती है, कभी कभी हम डी फिब्रोटाइड भी दे देते हैं। डैट बेसिकली इंक्रीज द लेवल ऑफ टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर एंड प्रिवेंट्स थ्रोम्बोसिस। अगर हम लेवर ट्यूमर्स की बात करें तो बेनाइन ट्यूमर में द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर इज कैवर्नस हेमेंजियोमा। इट कैन इवेंचुअली लीड टू इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज इन रेयर केसेस। लिवर सेल कार्सिनोमा इज अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ हेपेटिक साइट, और ये उन वुमेन में कॉमन होता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही होती हैं। सो इफ अ वोमेन इज टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और उसके सीटी में कोई ट्यूमर लाइक अपियरेंस आ रही है, द आंसर इज लिवर सेल कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर, यूजली 5 to 6 decade में होता है, मेल में ज्यादा कॉमन होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज टिक वायरस, जिसमें हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी आ जाता है एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी आ जाता है। अदर कॉजेज इज सिरोसिस, एफ्लाटॉक्सिन या हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एज वेल अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी एंड विल्सन डिजीज। मॉर्फोलॉजिकली में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर इज, जो न्यूप्लास्टिक सेल होंगे दे कंटेन बाइल, सो द ट्यूमर सेल ऑल्सो कंटेन बाइल। दिस इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इन्वेस्टिगेशन अल्फा फीटो प्रोटीन, अगर आपसे पूछें कि आपकी कौन सा टेस्ट कराएंगे फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, द आंसर इज अल्फा फीटो प्रोटीन। देर इज इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम ALP एंड GGT। अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन टू लोकलाइज द ट्यूमर एंड लिवर बायोप्सी फॉर इवेंचुअल डायग्नोसिस, फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो नॉन सिरोटिक पेशेंट हेपेटिक रिसेक्शन यानी कि एक पार्ट ऑफ अ लिवर इज रिमूव। सिरोटिक पेशेंट की बात करें, अगर ट्यूमर के साथ साथ सिरोसिस भी हुआ तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर ट्यूमर लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो इथेनॉल इंजेक्शन हम ट्यूमर में लगाते हैं, दैट श्रिंक्स द ट्यूमर। और अगर सिरोटिक पेशेंट है विद अनरिसेक्टेबल ट्यूमर जिसकी सर्जरी नहीं कर सकते हम हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन विद जेल फॉर्म एंड एड्रामाइसिन दे सकते हैं। तो चार मैनेजमेंट हो गए हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। टोटल 6 पॉइंट्स आपको याद कर रखने हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। द मोस्ट कॉमन कॉज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। द करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग बाय इन न्यूप्लास्टिक सेल, कौन सा आप टेस्ट कराएंगे फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अल्फा फीटो प्रोटीन। नॉन सिरोटिक पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हेपेटिक रिसेक्शन। सिरोटिक पेशेंट की लिवर ट्रांसप्लांटेशन, उन सिरोटिक पेशेंट की जिनका ट्यूमर नहीं निकाल सकते, जिनकी सर्जरी नहीं कर सकते, हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन विद जेल फॉर्म एंड एड्रामाइसिन। वो ट्यूमर जो 3 सेंटीमीटर से छोटे हैं उनमें पर किडनेस एब्लेशन विद इथेनॉल इंजेक्शन, इथेनॉल ट्यूमर को श्रिंक कर देती है। द मोस्ट कॉमन लिवर कैंसर इज नॉट प्राइमरी ट्यूमर बट मेटास्टेटिक ट्यूमर, और सबसे ज्यादा किस कहां से मेटास्टेटिस आती है, लिवर में लंग्स से, फॉलोड बाय ब्रेस्ट, कोलोन, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। अगर हम गॉल स्टोन की बात करें, कॉलीलिथियसिस की बात करें, तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गॉल स्टोन को प्रमोट करते हैं। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सेचुरेशन इन बाइल, बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एक्सिलरेटेड न्यूक्लिएशन या फिर बाइल बेडर की हाइपोमोबिलिटी। दिस 3 फैक्टर्स, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सेचुरेशन इन द बाइल, एक्सिलरेटेड न्यूक्लिएशन एंड बाइल गॉल बेडर हाइपोमोबिलिटी। रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो फीमेल में ज्यादा कॉमन होती है बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजन 40 अबव, फैटी बिकॉज ऑब्वियसली के हमारा जो है वो जितना ज्यादा
फैटी फूड होगा उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, फर्टाइल प्रेगनेंसी अगेन ईस्ट्रोजन, रैपिड वेट रिडक्शन जब हम करते हैं, जब हम रैपिड वेट रिडक्शन करते हैं तो फैट स्टोर्ड फैट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, वो फैट जो है वो हमारी गॉल ब्लैडर में प्रोसेस होने के लिए आता है और गॉल स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है. ड्रग लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्टेराइड. So these are the risk factors for gallstones. पीछे एक वर्ड आया एक्सिलरेटेड न्यूक्लिएशन, इसका मतलब होता है कितने टाइम में कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं. तो अगर वो बहुत तेजी तेजी कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि गॉल स्टोन बने. कोलेस्ट्रॉल स्टोन ज्यादा कॉमन होते हैं वेस्ट पे एज कम्पेयर टू एशिया. दो किस्म के होते हैं, बिग स्टोन होते हैं जिसमें 50% कोलेस्ट्रॉल होता है, 50% कुछ और होता है, प्योर स्टोन जिसमें 100% कोलेस्ट्रॉल होता है. इट इज मोर कॉमन इन वेस्ट एंड एशिया. पिगमेंटेड स्टोन आर मोर कॉमन इन एशिया. पिगमेंटेड स्टोन आर ऑफ टू टाइप, ब्लैक स्टोन इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक हीमोलाइसिस जो आरबीसी टूटने से बनता है. जब आरबीसी टूटता है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है, और जब उस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से जो स्टोन बन रहा है उसको हम ब्लैक स्टोन बोलते हैं. और पिगमेंटेड स्टोन जो है उसमें बिलीरुबिनेट होता है विद कैल्शियम पैलमिटेट होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन जिसमें ड्यूडिनल डायवर्टिकुला आ जाता है, बाइल्डी सिचर आता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन आता है. सो ब्लैक स्टोन और पिगमेंटेड स्टोन और ब्राउन स्टोन, ब्लैक स्टोन इज मोर कॉमन इन पेशेंट विद क्रॉनिक हीमोलाइसिस एंड ब्राउन स्टोन और पिगमेंटेड स्टोन इज मोर कॉमन इन पेशेंट विद इन्फेक्शन. यूटी जो है वो एसिप्टोमेटिक होता है बट कभी कभी बाइल्डरी कॉलिक होता है. बाइल्डरी कॉलिक होता क्या है, दैट इज अ सडन ऑनसेट पोस्ट प्रेंडियल एब्डोमिनल पेन. खाना खाने के बाद बहुत शदीद पेट में दर्द होता है. यूजली राइट अपर क्वाड्रेंट में लोकेट होता है. फीवर नहीं होता गॉल ब्लैडर में. फीवर गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाते हैं तो फीवर नहीं होता. ट्रीटमेंट इज कॉलिसिस्टेक्टोमी. अगर पुअर सर्जिकल कैंडिडेट जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की सर्जरी इतनी आसान है कि बहुत रेयर एक कॉन्ट्री इंडिकेशन होती है गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए, तो अगर वो कॉलिसिस्टेक्टोमी नहीं करा सकता तो यूरसो डी ऑक्सीकॉलिक एसिड इज द अल्टरनेटिव. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है गॉल स्टोन की, कॉलिसिस्टाइटिस हो सकती है, बाइल डक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, गॉल स्टोन इलियस हो सकता है, एक्यूट पेंट्रियाटिस हो सकता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, दैट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर. टू टाइप की होती है एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, दिस इज बिकॉज ऑफ गॉल स्टोन. गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट नैक और सिस्टिक डक को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है. And the second is acute acalculus cholecystitis, that is caused by other reason than stone, like severe trauma, severe burn, multi-system organ failure, postpartum state, post-operative state, etc. Clinical finding क्या होती है, pain epigastric initially होता है, फिर वो right upper quadrant में shift हो जाता है. Murphy sign is right upper quadrant tenderness during inspiration. सांस लेते हुए राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द होगा, दैट्स मर्फी साइन. एंड कॉल्वोजियल साइन इज पेल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर. मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लैब फाइंडिंग में सबसे पहले हम डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, वी विल हैव एलिवेटेड सीरम एएलपी, हाइपर ब्लीडोबिनीमिया. अल्ट्रासाउंड इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन. द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस इज अल्ट्रासाउंड. हमें गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग मिलेगी कितनी, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर. हमें पेरिकॉलिसिस्टाइटिक फ्लूइड मिलेगा. अगर अल्ट्रासाउंड डजंट शो एनीथिंग देन वी डू HIDA स्कैन, हिडा स्कैन. ट्रीटमेंट इसकी मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले पेशेंट को मुंह से कुछ नहीं देना, तो नथिंग पर ओरल में कन्वर्ट करना है. उसके बाद उसको इंट्रावेनस फ्लूइड देना है, एनल्जेसिया देना है, एंटीबायोटिक देनी है, उसके बाद उसको कॉलिसिस्टोमी देनी है. यूजली विद इन 5 डेज जो है वो कॉलिसिस्टोमी कर दी जाती है. अर्जेंट कॉलिस्टोमी फॉरन कॉलिस्टोमी कब करनी है, जब मेडिकल थेरेपी फेल्स टू रिलीव द पेन, दर्द खत्म नहीं हो रहा, पेन और फीवर बढ़ता जा रहा है, या गॉल ब्लैडर में इम्फाइमा यानी कि पस की एक्यूमुलेशन हो गई या गैंग्री बन गया है. कार्सिनोमा ऑफ अ गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करें, द मोस्ट कॉमन टाइप इज एडिनोकार्सिनोमा. द मोस्ट कॉमन साइड इज फंडस इन द नेक. लिवर को सेंट्रीफ्यूगली इन्वेड करती है. दो किस्म के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, तो इन्फिल्ट्रेटिंग या एक्सोफिटिक.
सीडिंग कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर से जो है वो पेरिटोनियम की तरफ चला जाता है, जीआईटी और लंग की तरफ भी चला जाता है। द नेक्स्ट कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉलिंजियो कार्सिनोमा, दैट इज द कैंसर ऑफ द बाइल ड्यूक्ट। ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का इटसेल्फ कार्सिनोमा जो कि मोस्ट कॉमन फंडस है नेक में। कॉलिंजियो कार्सिनोमा बाइल ड्यूक्ट ट्री का कैंसर है जो कि बाइल डक्ट से अराइज होता है। इसके रिस्क फैक्टर है प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कॉलिंजाइटिस, द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कॉलिंजियो कार्सिनोमा इज प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कॉलिंजाइटिस। इसके सिवा कॉलिडोकल सिस्ट है, कैरोलिन डिजीज है, लिवर फ्लू है, थोडोट्रेस एक्सपोजर है। मोस्ट कॉमन साइट है एम्प्यूला ऑफ द वेटर पे, जहां पे आपकी बाइल डक और पेंक्रियाटिक डक खुलती है ड्यूडेनम में, या कॉमन बाइल डक है। उसके सिवा जंक्शन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्स में होती है। वी विल हैव एलिवेटेड बिलीरुबिन विद मार्क एएलपी, हमें पेल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर मिलेगा, हमें हेमाटोमेगाली मिलेगी, हमें वेट लॉस एनोरेक्सिया मिलेगा, इट हैज पुअर प्रोग्नोसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉलिंजियोकार्सिनोमा एंड लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिजीजेस। थैंक यू।